फोटो खाली दे भाई मैंने बीच में नाम सोचे मैं क्या कर सकता हूँ, तो मतलब इस नाम को सोचने के लिए मुझे 4 साल लग गए। तो शतरंज का मतलब होता है चेस, चेस मीन्स किंग ऑफ गेम्स। तो ये जो पूरी गेम है, जो रैप गेम है, तो मैं मानता हूँ कि मैं मतलब ऐसे नहीं बोल सकता कि किंग हूँ, मीन्स कि मैं मतलब काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ। तो शतरंज का मतलब ये किंग ऑफ गेम्स। न्यूमरोलॉजी के मुताबिक UNG डाल दिया, अदरवाइज ANG होना चाहिए। जी 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 जी। शतरंज एक्चुअली में SHATRANG बट SHATRUNG उसमें मेरा नाम भी आ रहा है, TRUN उसमें मेरा नाम भी आ रहा है। अच्छा, जो रैप जो है आपने बोला इंडिया में नया है, तो विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ज़्यादा फेमस है और कहाँ से आपके इंस्पिरेशन मिली इसकी? एक्चुअली में ये बाहर का ही है, अमेरिका का। टू पैक जो बड़े बड़े रैपर्स थे वो मेरे आइडल रह चुकी है। सो इंडिया में मैंने बोहेमिया को सबसे पहले सुना, सो बोहेमिया बाजी, बोहेमिया सर। सो वहीं से जो अपने आइडल है, फिर मैंने भी वैसे ही लिखना स्टार्ट किया कि जैसे आइडल्स लिख रहे हैं हमारे, तो मैं भी कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ लिख पाऊँ। सो बस फिर वहीं से स्टार्ट हुआ, तो मुझे 14 साल हो गए हैं ऐसे मिलते। जो सर किसी से इंस्पायर्ड है हम? काफ़ी सारे रैपर्स हैं। इंस्पायर्ड नहीं बोल सकते हैं, मतलब आइडल। इंस्पायर्ड और आइडल में दोनों में डिफरेंस है। सो मैं, मेरे आइडल्स हैं जैसे टू पैक हो गया, बोहेमिया बाजी हो गए, ये सब मेरे आइडल्स हैं। रैप सिंगिंग जब मीन्स नॉर्मल सिंगिंग और रैप सिंगिंग, इसमें डिफरेंशिएट क्या, डिफरेंस क्या होता है? जी देखो, इसमें मैं सेल्फ एटीट्यूड की बातें कर रहा हूँ। जैसे मैंने गाना गाया है कि डरदा नहीं किसे तो। सो मेरा कहने का मतलब है, चाहे यहाँ पे सोसाइटी में कोई छोटा है बड़ा है, मीन्स अपना अमीर है गरीब है, सो मतलब यहाँ पे सेल्फ एटीट्यूड के साथ जियो। मतलब डरो ना किसी से कि यार तुम वहाँ पे कोई बंदा तुम्हें बोल रहा है तो तुम सोचोगे वो ऐसा है तो मैं उसके घबरा जाऊँ। सो अपनी सेल्फ एटीट्यूड की बातें या कि मोटिवेशनल सॉन्ग है, कोई सुनेगा तो बोले मोटिवेट होगा इस चीज़ से। अच्छा सर, प्रोड्यूसर सर से मेरा सवाल है सर, आप इस प्रोजेक्ट से कैसे जुड़े? कैसे मैं इस प्रोजेक्ट से ऐसे जुड़ा, मेरा और मेरा मतलब फ्रेंड विश्वास थे, हम आए थे आदित्य जी से मिलने, तो आदित्य जी ने इनको इंट्रोड्यूस किया शतरंज को, और दोनों को हमें गाना अच्छा लगा। आप देखोगे तो प्रोड्यूस में विश्वास त्यागी उनका भी नाम है, तो इनके लिरिक्स मुझे समझ में आए कि ये सेल्फ एटीट्यूड करके एक सॉन्ग रैप है, इस तरीके से हम जुड़े। मैंने उसी टाइम हार्डली 10 मिनट में हमने डिसीजन लिया और बहुत जल्दी ही शूट पे निकलने की तैयारी करी इस तरीके से। ये पर्टिकुलर गाने का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे सोचा गया? नहीं, मैं ऐसे एक्चुअली में बहुत गाने हैं मेरे पास, सो मैं लिखता सेल्फ एटीट्यूड के बारे में बातें जो मेरे जो मैं फील करता हूँ। एक्चुअली मैं लड़कियों के बारे में बहुत कम गाने लिखता हूँ, जैसे कि लिखता हूँ लड़कियों के बारे में, बट उसकी जो तारीफ करनी है तो मैं उस पर वर्ड्स, जो अच्छे वर्ड्स में उसको डिफाइन कर पाऊँ। मैं ऐसा नहीं है कि जैसे कि कमर के ऊपर लिख दिया या ऐसे करके लिख दिया, सो वो मेरा कलम जो मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं ऐसे गाने लिखूँ। सो मैं लिखता हूँ कि जो मेरे दिल से है मैं वैसे ही गाने लिखता हूँ। डायरेक्टर साहब, आपने आपका क्या
व्यू पॉइंट डाला है इस विश्वास त्यागी जो रघु जी आए जब मिले तो मैंने उसे इसको बुलाया ऑफिस में, मैंने कहा सुन लो एक बार ही, लड़का कुछ कह रहा है अलग से, कह रहा है डिफरेंट है, अलग फॉर्मेट्स में गा रहा है, अलग वॉइस में गा रहा है और अलग एटीट्यूड कैरी करता है और कुछ मैसेज देना चाहता है और अलग फॉर्म है, तो हमें मेरे को लगा कि ये इसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो अब इसने बिल्कुल फ्रेश था तो थोड़ा इन्होंने मगर हेजिटेट नहीं किया, विश्वास था अभी तो इतने फैन हो गए ना इस टाइम, जैसे सुना उन्होंने तो सर भी कहते हैं कि बस इस इमीडिएटली ना अब इनको कर ही दो। उसी टाइम इन्होंने इनको साइन किया और इनका ऑडियो ट्रैक रेडी हुआ, तो हमने इमीडिएटली वीडियो प्लान किया, वीडियो प्लान करते रहे, हमने सोचा कि इसको कैसे करें। अब मैक्सिमम रैप्स के आते हैं वो कनाडा से आते हैं, फॉरेन कंट्री से आते हैं, इंडियन रैप हार्डली कोई हमें मिलता है। तो मैंने कहा हमें ना इसमें इंडियन रैप क्रिएट करना है, तो हमें क्या करना है पूरा इंडिया घूमना है इसमें। हमने शुरू किया पंजाब से, ये इसका ओरिजिन पंजाब से है। मैंने कहा जहाँ से तू शुरू हुआ ना तेरा ओरिजिन क्या कहता, पंजाब लुधियाना, मैंने कहा हम वहीं से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने पहला सीन लुधियाना जाकर शुरू किया। पूरे रैप में आप देखोगे आपको हर जगह की मिट्टी मिलेगी, लुधियाना, चंडीगढ़, रोहतक, दिल्ली, मायापुरी का जंकयार्ड है, नोएडा की हाईवे है, आगरा का एक्सप्रेस हाईवे है, फिर वहाँ से हम आते हैं जयपुर हाईवे में गुड़गांव मिलेगा, गुड़गांव से फिर आपको मिलेगा आपका राजस्थान, राजस्थान आते हुए हमने थोड़ा सा एमपी में पोर्शन शूट किया और फिर करते हुए मुंबई में आए। हम पूरा जर्नी करते हुए ट्रैवल करते हुए ताकि हम इसमें ना इंडियन रैप क्रिएट करें। इसमें इंडियन रैप इसलिए क्योंकि रैप को ना इंडियन सोसाइटी हार्डली एक्सेप्ट करती है और सब फॉरेन कंट्री से आते हैं, रैपर्स कहते हैं हम फॉरेन से कनाडा से करेंगे और वही सुनेंगे हम। मैंने कहा हम इंडिया दिखाते हैं, अपना इंडिया पूरा डिटेल में दिखाते हैं। तो ये इस तरह से हमने इसका वीडियो प्लान किया, फिर हमने 5-6 दिन लगा के शूट किया, 7 दिन हमारा शूट पूरा ट्रैवल जर्नी रही, 7-8 दिन की चंद्रपुरा लुधियाना टू मुंबई, और फिर हमने आके एडिट किया अच्छे से, फिर हमने कहा ऐसे अब कलर में बहुत अच्छा दिख रहा था खिला खिला, मगर सबका ये कहना था कि गैंगस्टर होता ही ब्लैक एंड व्हाइट, हमने ब्लैक एंड व्हाइट रिलीज करेंगे इस तरह से। और ये सिंगल वीडियो है, सिंगल जब इतना मेहनत किया 4-5 गाने शूट करके फिर ऐसा लालच नहीं है वीडियो की, हमारे पास फुटेज है इस टाइम लगभग भी हम 5 गाने इसमें से एडिट कर सकते हैं, मगर बड़े क्लैरिटी थी कि हमें ना एक जगह से 3 सेकंड ही फुटेज यूज करनी है, तो इसलिए हमने वैसे उसी तरह से रखा है। पर इनफिक्स म्यूजिक के झंडे तले रिलीज कर इनफिक्स म्यूजिक जिनके प्रोड्यूसर्स हैं उदित रॉय एंड विश्वास थे, तो इनफिक्स म्यूजिक यूट्यूब पे एक चैनल है जो अभी 4 महीने पहले इनको सेटअप हुआ है, अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छा था, हमें उम्मीद है कि ये अच्छा जाएगा। ऑडियंस इस पर स्टूडियो प्रोडक्शन शिवाय प्रोडक्शन हाउस जो प्रोडक्शन पूरी मैनेज करती है हमारे यहाँ। और भी कुछ प्रोजेक्ट आने वाले हैं जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट इन्फिनिक्स से आने वाले हैं, लोलिता सॉन्ग इनका क्रिएट किया हुआ है और नेक्स्ट है लोलिता, फिर एलओसी सिंगर का है टेडी बियर, ये सब आने वाले हैं बहुत जल्दी कमिंग सून, इसका भी एक रेडी हो रहा है दोबारा दूसरा, उसके कुछ लिरिक्स सभी लिख रहे हैं, फिर मिलने की उम्मीद है। डेफिनेटली मिलेंगे उम्मीद। इससे पहले हमने शिवाय ट्रांस किया था जो रिलीज किया था इन्फिनिक्स म्यूजिक से स्टार्ट किया था, तो वो शिवर ट्रांस काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और ये भी अच्छे से जा रहा है। आज इसके हम पहले दिन में ही लगभग हम लोग इस टाइम 1 मिलियन टच करने वाले हैं, सबसे बड़ी अपनी की बात ये कि आने वाले दिनों में लग रहा है कि 15 दिन में ये सॉन्ग अपने आप में कलर डिफरेंट शेड्स और डिफरेंट कलर्स लेकर आएगा। आपने भी कहा कि लास्ट क्वेश्चन में भी आपने भी कहा कि कलर में शूट किया, अभी ये आप बोल रहे कि बहुत हिट हो जाएगा, उसके बाद में तो सोचा है कि कलर में भी डाल के कुछ ऐसा कुछ? ये ना आज का नहीं है ग्रे शेड, गैंगस्टर रैप ना 1950 से 1960 से ग्रे शेड ही, और ये जाएगा भी ग्रे, एक्चुअली बाहर का ही है कल्चर, ग्रे ही रहता है। मैम आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट कर रही हो कंपनी तो बताओ। वो एक यंगस्टर के लिए काफी वो है कि समथिंग यंगस्टर बहुत सही चीजे कर सकते हैं। Thank you. All the best. Thank you.